यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल थाना अंतर्गत ग्राम बूढ़ा डी निवासी रामाकांत व रामभवन के बीच गली का विवाद चल रहा था, जिसमें दिनांक 29 मार्च 2018 को निचलौल पुलिस ने कार्रवाई के क्रम में रामभवन व उसके पुत्र इंदल को थाने उठा लाई थी, जिसको छुड़ाने हेतु रामभवन का दूसरा पुत्र इंद्रदेव सुबह से ही थाने का चक्कर लगा रहा था। घर पर रामभवन की दोनों बहुओं के साथ पोतियां ही मौजूद थी। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम सभा पर करीब 3:30 बजे पहुंचे SI दिनेश कुमार पांडे व कांस्टेबल गोविंद तिवारी के इशारे पर रामाकांत व उसके पुत्र अशोक ने लाठी डंडों से रामभवन के परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे रंजू पत्नी इंद्रदेव 30 वर्ष, सुनीता पत्नी द्वारिका 27 वर्ष व दो पोतियां क्रमशः गुंजा 12 वर्ष व काजल 10 वर्ष की गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर SI दिनेश कुमार पांडे व गोविंद तिवारी पर घुसखोरी व लापरवाही का आरोप लगाते हुए बैठा लिया। मामले को संज्ञान में आते ही मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार सिंह द्वारा घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल इलाज हेतु भर्ती कराया गया व ग्रामीणों को समझा बुझा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। और इस समय थाने में बंद है, इनके विषय में क्या कहना है? देखिए, पुलिस के सामने कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, ये लोग आपस में दो पक्ष जमीनी विवाद को लेकर आपस में लड़े। लड़ने की सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस जो जिसमें मेल मेंबर थे, जिन्होंने महिलाओं को मारा पीटा था, पुलिस ने उनको पकड़ा और पुलिस वो ला रही थी तो गांव वाले ने थोड़ा ऑब्जेक्ट किया। गांव वाले चाहते थे कि जो पुरुष महिलाओं को मारे हैं उनको वो गांव वाले खुद मारना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको सुरक्षित अपने पास रख के और थाने ले आई है। जनपद महाराजगंज से पंकज पांडे के साथ मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।